फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग डोसा के साथ सांभर खा के बोर हो गए तो मसूर दाल की स्पेशल रेसिपी आप बना सकते हो, और उसके साथ मैं बना रही हूँ एक स्पेशल चटनी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है और उसका बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ मसूर की दाल। मैंने आधा कटोरी से थोड़ा कम लिया है, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से ले लेना। और उसके साथ हम डालेंगे लौकी, और वो लौकी का मैंने उसको बड़ा बड़ा चंक्स में काट लिया है, और उसको छिलका, लौकी को छिलका को हम कट करके रख लिया है, उसको हम चटनी। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में लौकी को डाल दिया है, और मैंने यहाँ थोड़ा सा फिर हम दाल को ऐड कर देंगे। फिर हम उसमें हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से नमक डाल लेना। फिर हम जितना डाल लिए थे उसका 2 गुना पानी ऐड करेंगे, उसको हाई फ्लेम में 2 सीटी तक कुक करने देंगे। जब तक दाल हमारा कुक हो रहा है, हम अभी चटनी का प्रिपेयर करेंगे। और चटनी के लिए मैंने यहाँ थोड़ा लौकी के छिलके को कट करके लिया है, और आधा ओनियन लिया है, और थोड़ा कोकोनट, और 4-5 लहसुन का कलियों को क्रश करके लिया है, और थोड़ा हरी मिर्च, थोड़ा हरा धनिया, और उसमें हम थोड़ा चने की दाल और थोड़ा पीनट्स ऐड करेंगे। हमने एक कढ़ाई लेके थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया, उसमें थोड़ा हींग जीरा डाल दिया और एक सूखी लाल मिर्च। फिर हमने जो पीनट्स रखा था और चना डाल रखा था उसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर दिया। उसके बाद हम सारे चीज़, लहसुन, लौकी के छिलके, मिर्ची, हम यहाँ सब डाल देंगे, और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। उसको अच्छे से चला लेंगे, थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे, और उसको ढक के थोड़ी देर। अभी 2-3 मिनट हो गए हैं, हम इसी स्टेज पे कोकोनट ऐड कर देंगे। लौकी का छिलका हमारा थोड़ा पक गए है, फिर हम कोकोनट ऐड करके उसको और 2 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। अभी 2 मिनट हो गए हैं, हम खुल के चेक करेंगे। हमारा जो पीनट्स, लौकी के छिलके अच्छे से सब फ्राई हो गए हैं। हम इसी स्टेज पे उसको एक ब्लेंडर, ठंडा होने के बाद हम उसको ब्लेंड करेंगे। अभी हम उसमें धनिया पत्ता डाल दिया है। अभी हमारा मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा आ गया है, हम उसमें थोड़ा ठंडा पानी ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अभी हमारा चटनी पीसकर रेडी हो गया है, और मैं ब्लेंडर जार को धो के वो पानी थोड़ा ऐड करके उसको मिक्स कर दूंगी। और अभी हमारा चटनी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, लेकिन सिर्फ तड़का लगाना ही बाकी है। वो तड़का डालने से वो चटनी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अभी हमने तड़का के लिए एक पैन रखा है, उसमें मैंने थोड़ा ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद थोड़ा हींग डाला, थोड़ा जीरा, और एक सूखी लाल मिर्च डाला है। फिर उसके और लास्ट में मैंने उसमें थोड़ा करी पत्ता ऐड करके उसको मिक्स करके 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए फ्राई करके फिर हम चटनी में ऐड कर देंगे। लेकिन मैं आपको बोलना भूल गई थी, जब मैं पीस रही थी तभी मैंने 1 टीस्पून जैसा शुगर भी ऐड किया था। लास्ट में आप थोड़ा चटनी टेस्ट कर लेना, अगर आपका खट्टा कम है तो आप थोड़ा नींबू भी ऐड कर सकते हो। अभी हमारा दाल अच्छे से बॉईल हो गया है, और हम उसको अभी तड़का लगाएंगे। हम अभी एक कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेंगे, उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हींग और थोड़ी सी जीरा। फिर हमने ऐड किया थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा फ्राई होने देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे थोड़ी सी कटी हुई अदरक और लहसुन, उसको मैंने फाइन चॉप कर लिया था। फिर उसको ऑयल के साथ थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड होने तक फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम अभी थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देंगे कि ओनियन हमारा थोड़ी जल्दी फ्राई हो जाएगा।
फिर हम अभी सूखे मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी। फिर मैंने एक छोटा टमाटर लिया है और उसको थोड़ा कद्दूकस करके मैं डाल रही हूँ। फिर हम उसको ढक के थोड़ा लो फ्लेम में उसको 2-3 मिनट के लिए उसको पकाएंगे, जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट हो न जाए। लास्ट में मैं बना रही हूँ डोसा। मैंने एक्चुअली पहले से बैटर बना के रख दिया था, तो मैं अभी डोसा बना रही हूँ और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, उसको थोड़ा क्रंची होने तक कुक करूँगी, फिर हमारा डोसा बनकर रेडी हो गया। आप देख सकते हो डोसा कितना अच्छा बना है। अगर आप लोग मेरा डोसा और इडली का बैटर देखना चाहते, अभी हमारा डिनर रेडी है और मैं अभी, अगर आप लोगों को मेरा आज का रेसिपी, अगर आप लोग में सच में आप लोग ऐसे एक बार बना के खाइए, बहुत टेस्टी बना है, बहुत सिंपल है, बनाना बहुत आसान है। बहुत कम टाइम में भी बन जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।